मेरठ दिल्ली रोड की सब्जी मंडी के अढ़ातियों ने ही मेरठ को कोरोना की मंडी बना दिया। आए दिन कोरोना की नई चेन अढ़ातियों से मिल रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए ही दिल्ली रोड की सब्जी मंडी को बंद कर नई अस्थायी सब्जी मंडी जागृति विहार में लगाई गई। लेकिन अब हालात वहां भी बेकाबू हो चुके हैं। हालात यहां पर यह है कि सोशल डिस्टेंस का किसी भी हाल में अस्थायी मंडी में पालन नहीं हो रहा। रात में भीड़ बढ़ने के साथ ही सोशल डिस्टेंस के नियम भीड़ के पैरों तले रौंद दिए जाते हैं। दुकानों के आगे खरीदारों की भीड़ लग जाती है। यह हाल तब है कि नवीन मंडी के तुलना में यहां पर एक चौथाई अढ़ाती ही कारोबार कर रहे हैं। मंडी प्रशासन ने यहां पर 80 अढ़ातियों को अपने दुकान लगाने के लिए आवंटन किया है, जिसमें सब्जी के अलावा 3-4 फल व्यापारी हैं। अस्थायी मंडी में हो रही भीड़ को कम करने के लिए पास भी नहीं जारी किए गए। गत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में पास के लिए विभिन्न भागों से आए 2 दर्जन लोग कलेक्ट्रेट में थक्के खाते दिखे गए। किसान माया प्रकाश बताते हैं कि यहां पर रात में 11 बजे के बाद प्रशासनिक अधिकारी अपने घर चले जाते हैं। किसी तरह की कोई रोक टोक किसी को नहीं है। किसान ने बताया कि यहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है। गांव देहात का किसान यहां पर सब्जी बेचने के लिए आता है। ऐसे में अगर उसको कोरोना हो गया तो फिर इनका संक्रमण गांवों में फैलते देर नहीं लगेगी। माया प्रकाश ने बताया कि इसको लेकर ना तो प्रशासन ही सतर्क है और ना ही पुलिस की कोई व्यवस्था दिखाई देती है। बता दें कि दिल्ली रोड की बड़ी सब्जी मंडी भी कमिश्नर अनिता श्री मेशराम के हस्ताक्षेप से ही बंद की गई थी। अब तक कोरोना के जितने भी मरीज मिले हैं उनमें से सर्वाधिक सब्जी मंडी के आढ़ती हैं या फिर उनके संपर्क में आए संक्रमित लोग हैं। अस्थायी मंडी में नियमों का पालन कौन करवाए, इसको लेकर ना तो डीएम कुछ बोलने के लिए तैयार है और ना ही एसएसपी। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं माया प्रकाश हूँ, जाहिदपुर से किसान हूँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये है कि जो सहूलियत वहाँ नवीन मंडी में थी या लोहिया नगर की मंडी में थी, वो सहूलियत ना किसान को मिल रही है ना खरीदार को मिल रही है, और यहाँ सारे आढ़ती परेशान हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल कहीं नहीं रखा जा रहा। अधिकारियों की मुस्तैदी बिल्कुल नहीं दिख रही। 11 बजते सारे अधिकारी यहाँ से चले जाते हैं। चारों तरफ अव्यवस्था है, ना कहीं शौचालय की व्यवस्था है और ना कहीं। अच्छा, यहाँ पर मंडी के अंदर जो सामान लेने आ रहे हैं लोग, क्या क्या व्यवस्था चाहते हैं आप लोग? व्यवस्था ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, पूरा शेडिड होना चाहिए। खुले में आंधी बारिश जिस दिन आ जाती है, परसों बारिश आ गई थी, तो यहाँ सारा मामला अस्त व्यस्त हो गया। ना तो किसान की सब्जी की कोई कदर है और ना खरीदने वाले को सही क्वालिटी मिल रही है, ना उसको सही रेट मिल रहे हैं। किसान को औने पौने दामों पर वो अपना सामान बेच करके यहाँ से जा रहे हैं। जिस तरीके से आड़ती है, यहाँ पे आड़त जोड़ रखी है जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो आपकी बनती है यहाँ पर? नहीं, हम तो किसान हैं। मेरा मतलब ये है कि जो लोग खरीदार आ रहे हैं, प्रशासन ही तो सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश जारी करे, अपने वॉलंटियर्स लगावे, फोर्स लगावे। यहाँ कहीं भी देख लो, कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर है, और थोड़ी सी तो आपकी भी बनती है सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए। जिम्मेदारी तो ये है कि पब्लिक का पेट किस तरह भरा जाए। अगर हम आपूर्ति खेत से यहाँ पर नहीं करेंगे तो मुझे ये बताओ कैसे आपूर्ति होगी, फिर कैसे आम जनता तक सब्जियां और फल पहुँचेंगे। हमारी जिम्मेदारी तो पैदा करके उसको पहुँचाने की है। विपणन की व्यवस्था तो सरकार की है या प्रशासन की है? प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि दोनों मंडियां वहीं पर व्यवस्थित रूप से चलें। यहाँ पर ना तो खरीदार आ पा रहा है और किसान को वो सहूलियत नहीं है जो होनी चाहिए। औने पौने दामों पर उसे बेचने की मजबूरी है। जो व्यवस्थाएं ये लोग यहाँ करना चाहते हैं उससे अच्छी व्यवस्था वहाँ करें। वहाँ व्यवस्थित है,